हेलो गाइस एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के ऊपर। सो केमिस्ट्री का जो हम फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसको आज हम थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा है, दैट इज वी आर कंप्लीटिंग 200 फैमिली मेंबर्स ऑन अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम बहुत ज्यादा करीब हैं 200 सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज इट्स एक्चुअली फ्री। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो भी क्वारंटाइन में पढ़ सकें। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जो हम चीज कवर करने वाले हैं वो सिंपल एनसीईआरटी से कवर करेंगे। बेसिक जो चीजें हैं वो सब कुछ हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। दैट इज, सबसे पहले जो चैप्टर का टाइटल है, मेन टाइटल, उसको डिस्कस करते हैं, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। सो आपने दो चीज पढ़ी होंगी, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल एंड केमिकल में डिफरेंस आप सभी को पता है अच्छे तरीके से। फिजिकल जो कि पहली स्टेट में, दैट इज अपने आप को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल की कर सकते हैं, वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल। दैट इज वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर, इट इज अ फिजिकल चेंज। अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, देन केमिकल चेंज में आता है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके अराउंड होती हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं इन केमिकल इक्वेशंस की। इक्वेशंस हम बात करने वाले हैं उन चीजों की जो कि हमारे डेली लाइफ प्रोसेसेस में हो रहे हैं और हमको पता नहीं है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड रिएक्शंस वही बताएंगे हमको कि किस प्रोसेस में क्या चीज हो रही है। सो एग्जांपल और भी आपके पास, दैट इज अगर मिल्क जो है वो आप रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं इन समर्स, तो क्या होता है, वो मिल्क होता है वो फट जाता है, उसमें से क्या होता है, उसके जो फैट होता है वो सेपरेट हो जाता है उसमें से। और दूसरी चीज जो है इसमें, दूसरी चीज है फूड इज कुक्ड। अगर आप फूड को कुक कर लेते हैं तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, बिकॉज आप फूड को, वेजिटेबल्स को अपनी ओरिजिनल शेप में या फिर प्रॉपर्टी में वापस नहीं ला सकते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है इसमें, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अगर आप ग्रेप्स को भी फर्मेंट कर देते हैं तो वो वापस से ग्रेप्स नहीं बन सकते हैं। तो ये सारी जो चेंजेस हैं वो केमिकल चेंजेस हैं, जैसे कि आपके डेली लाइफ में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये बुक नहीं है एनसीईआरटी की, आई नो लॉकडाउन है तो आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो सकती, नहीं हो पाई होगी। अगर नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसी केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने, जैसा कि सिंपल सी बात, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, प्लांट्स का ग्रोइंग होता है, और बहुत सारी चीजें जो कि हमारे सराउंडिंग में होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को इंक्लूड करती हैं। तो इसी रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। सो केमिकल रिएक्शन करती क्या है, केमिकल रिएक्शन जब होती है, सो सबसे पहली चीज, केमिकल रिएक्शन रिजल्ट करती है चेंज इन स्टेट में। चेंज इन स्टेट में केमिकल रिएक्शन जो होती है, जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है। एग्जांपल के चलते हैं, अगर इस केमिकल रिएक्शन की हम कोई भी केमिकल रिएक्शन हम एज्यूम करते हैं, उसका अगर हम चेंज इन स्टेट, दैट इज ओके। सो आपने देखा होगा कि मिल्क की जब कर्डलिंग होती है, मतलब जब दूध की हम दही जमाते हैं, तो ये मिल्क होता है लिक्विड में। मिल्क जो होता है वो होता है लिक्विड स्टेट में, एंड देन जो ये मिल्क होता है जब कर्डलिंग होते हैं तो वो बन जाता है सेमी सॉलिड में। दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट, जैसा कि आपको पता है। दूसरा क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जो कि दूसरी चीज भी ला सकता है, दैट इज चेंज इन कलर। केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या करती है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। और जो हमारे पास तीन चार चीजें आती है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस का भी इवोल्यूशन होता है, जैसा कि आप अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस से मेरा मतलब है कि कुछ भी चीज यदि, जैसे कि हम रेस्पायर कर रहे हैं, तो रेस्पायर करने का मतलब क्या है कि हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो रहा है। और जो चौथी चीज आती है वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर ये भी एक पार्ट है
एक केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल प्रोसेस को अगर होने के लिए। तो ये चार पॉइंट्स हैं जो कि आपके रिजल्ट करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन को ऑफर करवाने में। सो एक एग्जांपल ही चलते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये होती क्या है। एक्चुअली ये इन चार चीजों की वजह से आकर होती है, इन चार चीजें जो है रिजल्ट करते हैं आफ्टर अ केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज अब जो केमिकल इक्वेशन है, अपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ी होगी, अपने ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना सीखा होगा, वाटर बनाना सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है सबसे पहले जो वैलेंसीज है उनको आपको याद करना होगा। सबसे पहले हम बेसिक चीजों से बात करते हैं, बेसिक चीजें लाइक केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। सो केमिकल इक्वेशंस में दो चीजें होती हैं, सबसे पहली चीज होती है रिएक्टेंट्स। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन केमिकल इक्वेशंस की, ओके। सो केमिकल इक्वेशंस में होती है सबसे पहले एक रिएक्टेंट होता है और एक होता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस केमिस्ट्री की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन टू टर्म्स हैं जो कि पूरी केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस्ड है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, जो कि रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और हमको देते हैं कुछ प्रोडक्ट, हमको देते हैं कुछ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं सॉल्ट प्लस वाटर कर देता हूं, तो यहां पर ये दोनों चीजें हैं, ये है रिएक्टेंट्स, बिकॉज दीज आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड हमको मिलेगा क्या, सॉल्टी वाटर और सेलाइन वाटर, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोडक्ट, ओके। सो इन जनरल, जनरल वे में क्या होता है, ये एक एरो होता है, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स गिव्स आउट, गिव्स आउट। यू विल नॉट स्पेल आउट दिस एज एरो, यू विल स्पेल आउट दिस एज गिव्स आउट, ओके। सो मेन चीज क्या है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव अ प्रोडक्ट, टू गिव अ प्रोडक्ट और टू गिव प्रोडक्ट्स, ओके। सो सिंपल सी बात यहां पर ये आई, यहां पर सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो रिएक्टेंट्स हुए। इन जनरल वे जो गिव्स आउट, दैट इज जो एरो है, उसके लेफ्ट में जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो राइट में होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, आई होप कि जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में बात करते हैं, सिंपल सी एक रिएक्शन लेके चलते हैं, दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives out magnesium oxide. So, यहां पर जो ये दिखाना चाह रहे हैं हम, क्या दिखाना चाह रहे हैं, that is magnesium is reacting with oxygen which gives out magnesium oxide. So here reactants are magnesium and oxygen and products are magnesium oxide. So friends, आपको ये सिंपल सिंपल दिख रहा होगा कि यहां पर जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं जिससे कि आपके पास एक प्रोडक्ट बन के आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट्स आपको समझ में आ गया, प्रोडक्ट्स आपको समझ में आ गया। अब ये जो लिखना है, दैट इज ये राइटिंग वर्क है, ये आपको थोड़ा लेंदी है। सो इसी को शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए आपके पास जो है एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो है Mg, ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो है O2 एंड द सिंबल ऑफ दिस प्रोडक्ट इज MgO। दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो नाउ अगर हम इसको और इलेबोरेट करना चाहें तो हम नीचे ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, दैट इज मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये रिप्रेजेंटेशन जो मेथड आपका वो थोड़ा अच्छा कर देता है। सो आई होप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन है आपको समझ में आ गई होगी। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें, अब हम बात करेंगे इनके फेज के बारे में। फेज मतलब दैट इज फेज डिटरमाइंस द स्टेट, दैट इज कि जो आपका मैग्नीशियम है या फिर जो आपका ऑक्सीजन है वो किस स्टेट में है, दैट इज सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ओके। सो इसको जो आप स्टेट को, फेज को मेंशन करते हैं वो हमेशा मेंशन करते हैं आप हमेशा इन ब्रैकेट्स, इन द ब्रैकेट्स। तो मेंशन कैसे करते हैं, फेज तीन होते हैं सबको पता है, इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं स्मॉल एस से, लिक्विड को स्मॉल एल से एंड स्मॉल जी से। सॉलिड है मैग्नीशियम की स्टेट होती है सॉलिड, ऑक्सीजन जो है वो गैस में होती है और ये जो आपके पास बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सॉलिड में बन गया था आपके पास।
ओके, तो ये तो आपके पास पूरी रिएक्शन है, वो अभी तक हाफ कंप्लीट हुई है, हाफ कंप्लीट नहीं हुई है। सो अभी इस रिएक्शन में बचा क्या है? अब इस रिएक्शन में बचा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है बैलेंसिंग का, तो आप आराम से इसको कर देंगे। यहां पर मैंने सिंपल जो प्रीवियस इक्वेशन है मैंने वही लिख ली, दैट इज Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। तो इसको बैलेंसिंग करने का मतलब क्या है? सो बैलेंस करने से मतलब ये है कि यहां पर जो आपके पास रिएक्टेंट है और जो आपके पास प्रोडक्ट आए हैं उनके जो सारे एटम्स होंगे वो सेम होने चाहिए। यहां पर आपके पास दिख रहा है कि यहां पर सिंपल इसको अगर आपको करना है तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक टेबल बनानी है, दैट इज एलिमेंट्स एंड क्वांटिटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। सो यहां पर जो एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट है आपके पास Mg, सेकेंड है आपके पास O2, O ही लिख लेते हैं यहां पर, थर्ड है आपके पास MgO, एक होता है LHS बन जाएगा और एक बन जाएगा आपके पास RHS। ये आपके पास दोनों LHS में है, ये दोनों LHS में है, ये दोनों ये RHS में, तो आपको LHS equals to RHS करना होगा। तो सिंपल सी बात क्या है इसमें, Mg के कितने एटम्स हैं यहां पर, 1, सो कोफिशिएंट कितना है यहां पर, 1, अगर कुछ नहीं है तो यहां पर ऑब्वियसली 1 होगा। सो Mg के जो कोफिशिएंट है वो यहां पर कितना है, 1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है यहां पर, 2 प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट ऑक्सीजन के, तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। यहां पर जो MgO है, Mg में Mg की कितना है यहां पर, 1, एंड O कितना यहां पर प्रेजेंट है, 1। As you can see कि यहाँ पर O भी बने और Mg भी बने, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए, दैट इसको सॉल्व करने के लिए, तो क्या करेंगे, MgO में Mg कितना यहाँ पर 1 है, O भी यहाँ पर 1 है, तो Mg यहाँ पर 1 और O यहाँ पर 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, ओके। अब यहाँ पर 2 लगाने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 लगाने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, दैट इज दिस, बट यहाँ पर Mg जो है वो भी 2 हो गया। यहां पर Mg अगर 2 हो गया तो यहां पर हमको जो LHS है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज यहां पर भी अगर हम 2 लगा देंगे तो जो Mg है वो कितना जाएगा यहां पर, 2। तो यहां पर Mg जो है वो 2 हो गया, ऑक्सीजन जो है वो 2 हो गया, और MgO जो है वो भी 2 हो गया, MgO ये भी पूरा आइटम कितना हो गया, 2। तो जब आपके पास जो सारे आइटम्स है वो इक्वल आ जाए LHS और RHS के, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो बैलेंसिंग द इक्वेशन इज द इजिएस्ट पार्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। सो जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास वो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सो इसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो इनके सिंबल्स हैं उनको याद करना होगा। जो जिंक का सिंबल है वो है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, जो जिंक है ऑब्वियसली वो होता है सॉलिड, H2SO4 यदि एसिड है तो ये होगा लिक्विड, जो जिंक सल्फेट मिलेगा वो लिक्विड में मिलेगा, दैट इज ZnSO4, एंड हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व हो जाएगी, ये गैस हो जाएगी। तो अब सिंपल सी बात, अगर आपके पास रिएक्शन मिल जाती है तो आगे स्टेप बहुत इजी है, दैट इज सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हम सबसे पहले एक जगह लिखते हैं LHS, दूसरी जगह लिखते हैं हम RHS, और यहां पर हम देते हैं क्या एलिमेंट्स, एलिमेंट्स LHS RHS। सो एलिमेंट सबसे पहले आपके पास है जिंक, दूसरा एलिमेंट आपके पास है H, तीसरा एलिमेंट आपके पास S, फोर्थ एलिमेंट आपके पास O। Zn हो गया, H हो गया, S हो गया एंड O हो गया, यहां पर भी कौन सा है, Zn हो गया, H हो गया, S हो गया, O हो गया, ओके। सो अब जो बात है इसकी बैलेंसिंग की, बहुत इजी है, जिंक यहां पर जो LHS में है वो कितना है यहां पर, 1, बिकॉज यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर क्या होगा, 1 होगा। RHS में देखते हैं जिंक कितना है यहां पर, 1, तो ऑब्वियसली ये ठीक है। H हाइड्रोजन यहां पर कितने है, 2, और RHS में कितना यहां पर, 2, हाइड्रोजन भी 2। सल्फर, सल्फर कितना है यहां पर, 1, यहां पर भी सल्फर कितना है, 1।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना यहां पर 4, नाइट्रोजन यहां पर कितना है 4। तो ये पहले से बैलेंस इक्वेशन है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। तो ये बैलेंस इक्वेशन जो है ऑब्वियसली पहले से बैलेंस है। चलिए बात करते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि आपको बैलेंसिंग करनी पड़ जाए। तो आपके पास इक्वेशन है वो है Fe plus H2O gives out Fe3O4 plus H2। So, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ टेबल बनानी है। दैट इज सबसे पहले लिखेंगे हम एलिमेंट्स, बहुत इजी स्टेप लग रहा होगा। देन लिखेंगे LHS, देन लिखेंगे RHS, या साथ साथ कॉपी भी कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। एलिमेंट सबसे पहले कौन सा आपके पास Fe, फिर है आपके पास H, फिर आपके पास O। सो यहां पर भी Fe आ गया, यहां पर भी O आ गया, यहां पर भी H आ गया, तो सारे एलिमेंट्स वही हैं। LHS, LHS में Fe कितना है यहां पर 1, बट RHS में Fe कितना है 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, Fe तो 3 यहां पर है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 लगा देंगे, Fe 3 हो गया। देन LHS में भी अटेम्प्ट कितने हो गए Fe के 3, तो Fe का तो काम है वो तो खत्म हो गया। बात करते हैं H की, यहां पर H कितना है 2, यहां पर भी H कितना है 2, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अभी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर कितना है 1, एंड ऑक्सीजन यहां पर कितना है 4। तो यहां पर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो ज्यादा है, यहां पर कम है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर 4 लगाएंगे। 4 लगाते ही ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, बट हाइड्रोजन कितना होगा 4 इंटू 2, दैट इज 4 टू द 8। तो यहां पर जो LHS में आएगा वो आएगा 8, जो आपका LHS में आ गया वो आ गया 8, बट RHS में आपके पास हाइड्रोजन कितने 2। तो आपको जो RHS है उसको बैलेंस करना होगा, तो यहां पर 2 पहले से प्रेजेंट है, तो अब हम क्या करेंगे 4 से लगाएंगे, 4 टू 8 देन 8, तो यहां पर 3 3 8 8 एंड 4 4। तो यहां पर जो आपकी सारी टेबल है वो पूरी हो चुकी है। देन क्या करेंगे, जो इसकी बैलेंस इक्वेशन, सबसे पहले ये इक्वेशन थी Fe plus H2O gives out Fe3O4 plus H2। जो बैलेंस इक्वेशन आई हुआ है आपके पास 3Fe plus 4H2O gives out Fe3O4 plus 4H2। So, ये जो आपके पास इक्वेशन है वो आ चुकी है, तो आप एनसीईआरटी से और इसके एग्जांपल जो है वो कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे बैलेंसिंग तक, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में। सो आई होप कि जो आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो इस चैप्टर को हम पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी डेली वीडियोस हम पोस्ट करने वाले हैं जिससे कि आपका फायदा हो जाए। और साथ में अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं हम ऑब्वियसली 50 ही रखेंगे, बिकॉज आई नो आप कर देंगे। और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 200 के बहुत करीब है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।